हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। आज हम CDS 1 2016 मैथ सेट ए के क्वेश्चन नंबर 41-50 को पार्ट फिफ्थ में सॉल्व करेंगे। ए बी सी को हम नेचुरल नंबर लेट कर सकते हैं, 1, 2, 3 लेट करके हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे दिया है एलसीएम ऑफ ए बी कॉमा ए सी, तो एलसीएम ऑफ ए बी हम जैसे इसको ए ले लिया, इसको बी, इसको सी ले लिया, तो ए बी 2 हो गया और ए सी कितना हो गया 3 हो गया। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6 हो जाएगा। और कह रहा है कि ए इंटू ए कितना है 1 इंटू कह रहा है एलसीएम ऑफ बी एंड सी, तो 2 और 3 का एलसीएम में 6, तो 1 × 6 तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, 6 = 6 आ जाएगा। कह रहा है एचसीएफ ऑफ ए बी, ए बी कितना हुआ 2, और ये कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ ए सी और ये हो गया 3, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना 1 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए इंटू ए 1 है एचसीएफ ऑफ बी सी, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना 1, तो 1 = 1 हो गया, तो ये 2 भी करेक्ट है। कह रहा है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी 1 का एचसीएफ ये हो गया 1 और 2 का एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ हम लेंगे हैं ए बी, तो एलसीएम ऑफ ए बी कितना होगा 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ए 1 जो है लेस देन 6 होता है, इसलिए थर्ड भी सही होगा। कर एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ए 1 है और 2 है, तो इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो इसका 1 आएगा। कर डिवाइड्स एलसीएम ए बी, एलसीएम ए बी ए और बी का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये जो होगा इसको 2 को ए क्या करेगा डिवाइड करेगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये फोर्थ भी सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। देयर आर 3 ब्रदर्स, द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 ऑफ देम एट ए टाइम आर 4, 6 and 8 ईयर्स, द एज डिफरेंस बिटवीन द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट। तो इसमें जैसे हम एक्स वाई और जेड ले लिया, एज ले लिया, तो एक्स प्लस वाई इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू जैसे 4 हो गया, y प्लस जेड इक्वल टू 6 हो गया, और x प्लस जेड इक्वल टू 8 हो गया। तीनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये 6 और 4 10 और ये 18 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड जब हम निकालेंगे तो ये 18/2 ये 9 हो जाएगा। अब इसमें से एक एक माइनस करते जाएंगे, x प्लस वाई को हम इसमें से माइनस करेंगे तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 - 4 हो गया 5, और y प्लस जेड को माइनस करेंगे तो x निकल जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 6 3 हो जाएगी, और x प्लस जेड माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 9 - 8 1 हो गई। तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों के एज में जो एल्डेस्ट और यंगेस्ट, ये एल्डेस्ट हो जाएगा, ये यंगेस्ट, दोनों के एज में 5 - 1 4 ईयर का डिफरेंस आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से करना हो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट में क्या है कि इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 ऑफ देम एट ए टाइम 6, 4, 6, 8 ईयर्स। तो इसमें देख रहे हैं कि दो दो का सम हमारा ये 6, 4, 6 और 8 ईयर्स है, तो इन तीनों को सम करके हाफ करेंगे तो ये तीनों का इंडिविजुअल सम जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम निकल जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18 का हाफ हमारा 9 हो जाएगा, तीनों भाइयों के एज का सम कितना आ जाएगा 9 ईयर्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 में दो का सम पता है तो दो का सम को माइनस करते जाएंगे तो एक का इंडिविजुअल सम आता जाएगा, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, 9 में से फिर हमने 6 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस किया तो 1 हो गया, तो ये इंडिविजुअल 5, 3 और 1 एक एक का एज आ जाएगा। फिर इसमें हमको ये पता है कि ये सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 5 - 1 ये 4 हो जाएगा। तो हम इसको ओरल भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इसमें भी आंसर आपका 4 ईयर्स आ जाएगा। ये पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन 4 PM and 5 PM, ये 4 और 5 के बीच मान लेते हैं कि ये पर्सन बाहर गया है इस घड़ी के हिसाब से। वेन ही कम्स बैक ही फाइंड दैट द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड्स अब द क्लॉक हैव इंटरचेंज। ये क्या हुआ कि यहाँ पे आवर हैंड थी, मिनट हैंड थी, अब ये जब मार्केट से वापसी आया तो ये चेंज हो गया, आवर हैंड जो यहाँ थी वो यहाँ इधर आ गई, जो मिनट हैंड यहाँ थी वो यहाँ आ गई। फॉर हाउ मैनी मच टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली वाज ही आउट ऑफ हिज हाउस, कितना देर वो घर से बाहर था। हम लेट करते हैं कि वो जो बाहर था वो टाइम क्या है, टी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से ये जो मिनट हैंड है ये पूरा कंप्लीट इधर से घूम के आएगी तो यहाँ आ रही है,
और ये जो आवर हैंड है ये कंप्लीट होकर यहाँ आ रही है। तो ये देखते हैं कि जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है, ये दोनों जो जो एंगल इतना जो ये कवर कर रही है और जो एंगल ये कवर कर रही है, दोनों का सम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखेंगे तो मिनट हैंड यहाँ से यहाँ आ गई, मिनट हैंड यहाँ से यहाँ, पहले मिनट हैंड थी तो यहाँ से यहाँ आ गई, और आवर हैंड ये कहाँ थी, यहाँ थी तो पहले यहाँ आ गई। तो ये दोनों का ये और यहाँ से ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे टी टाइम के लिए बाहर आ रहा है तो टी टाइम में जो मिनट हैंड था, मिनट हैंड कहाँ से था, यहाँ से फिर यहाँ आया ये। तो टी टाइम में जैसे हमने देखा है कि 1 मिनट में जो जो मिनट हैंड वो कितना डिग्री कवर करता है, 6 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, और टी मिनट ये बाहर रहा है, मानते हैं बाहर, इसको मिनट में ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 6 टी डिग्री ये एंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बनेगा, यहाँ से ये मिनट हैंड था, यहाँ से ये मिनट हैंड यहाँ आ गई यहाँ पे, तो ये एंगल इसने बनाया 6 डिग्री। और ये फिर आवर हैंड यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये जो एंगल बनेगा ये कह रहा है कि आवर हैंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ टी, क्योंकि टी मिनट बाहर रहा है तो 1 मिनट में हाफ डिग्री बना रहा है, तो टी मिनट में 1/2 डिग्री हो, इन दोनों का सम जो होगा कितना होगा, 360 डिग्री। ये कैसे आता है 1 मिनट में 6 डिग्री, ये बताते हैं कि ये पूरा जो कोई भी घड़ी है तो 60 मिनट होता है एक कंप्लीट चक, यहाँ लगाती है मिनट हैंड, पूरा कंप्लीट साइकिल लगाती है तो 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में ये 360 अपान हो जाएगा 60, तो 60 कट जाएगा 6, तो 1 मिनट में हो गया 60 ये डिग्री घूमेगी। आवर हैंड क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक, ये जैसे मिनट हैंड पूरा यहाँ से कंप्लीट साइकिल लगाती है, तो आवर हैंड यहाँ से यहाँ तक ये जाता है 30 डिग्री, यहाँ से एक खाना जो होता है इसमें 30 डिग्री होता है। तो ये मिनट हैंड जो है 60, जो आवर हैंड जो है वो 60 मिनट में, 60 मिनट जैसे यहाँ से आवर जो मिनट हैंड है पूरा एक चक्कर लगाती है, तो आवर हैंड यहाँ से यहाँ तक लगाएगी, मतलब वो 30 डिग्री घूमती है। 60 मिनट जब ये होता है, 60 मिनट में जो मिनट है, जो आवर हैंड है वो चलती है, ये जो एंगल बनाती है वो बनाती है 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 30/60, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी 1 मिनट। वही यहाँ निकालें कि आवर हैंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाती है, और जो आपका मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो हमने टाइम लिया था टी मिनट, वो बाहर रहा है घर से, तो टी मिनट में ये कितना बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी मिनट हैंड, और जो आवर हैंड बनाएगी टी मिनट में 1/2 टी बनाएगी, इतनी डिग्री ये बनाएगी। अब दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 6 × 2 = 12 × 13 टी वाई ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 360, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720/13, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55.38 मिनट, ऑप्शन हो जाएगा ए। इन ए गैदरिंग ऑफ 100 पीपल्स 70 ऑफ देम कैन स्पीक हिंदी, 60 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 30 कैन स्पीक फ्रेंच, फर्दर 30 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, 20 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड फ्रेंच, एंड एक्स इज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज्यूमिंग दैट द एवरी वन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। इसमें हिंदी को हमने ए ले लिया, इंग्लिश को बी ले लिया, और फ्रेंच को सी ले लिया, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन ए दिया है 70, एन बी दिया है 60, और एन सी दिया है 30, फिर ए इंटरसेक्शन बी दिया है 30, और एन बी इंटरसेक्शन सी दिया है एक्स, और एन ए इंटरसेक्शन सी दिया है 20, और ये कह रहा है कि एवरीवन, ये टोटल पीपल 100 थे, तो इसमें कह रहा है कि एज्यूमिंग एवरीवन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसलिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा 100। और इसमें ये कह रहा है कि ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो गई के, इसको लेट कर लिया के। अब ये जो फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 70 प्लस 60 प्लस 30 माइनस एक्स माइनस 20
के, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 70, ये 60 में से 20 जाएगा तो 40, ये 110 और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस के। तो यहाँ से ये हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी, के इधर आ जाएगा तो एक्स एक्स माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 110 और ये हो जाएगा प्लस 100, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 10 हो गया। के की वैल्यू आ रही है एक्स माइनस 10, के हम ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया के की वैल्यू, के की वैल्यू आ रही है एक्स माइनस 10, तो के जो है निगेटिव नहीं हो सकता, के जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, मतलब एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए सबसे पहला कंडीशन। तो एक्स की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, और एक्स की वैल्यू 0 और 8 के बीच नहीं, तो ऑप्शन बचता है ए, इसलिए करेक्ट है ये। यहाँ पे ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो ये सेंटर में आता है, ये ए इंटरसेक्शन ये बी में आता है, बी बी ए इंटरसेक्शन सी में, बी इंटरसेक्शन सी में आता है, और ये तीनों जो होता है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है, जो हमने के लिया, के निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये आपका ऑप्शन ये होगा। यहाँ हम ये पहले लेट कर ले रहे हैं कि उसने 100 सेंटीमीटर क्लॉथ क्या हुआ ख़रीदा, जो नॉर्मल स्केल से 100 सेंटीमीटर उसने क्लॉथ खरीदना चाहिए था, बट वो नॉर्मल के जगह उसने पहले क्या किया, चीटिंग की है 10 सेंटीमीटर की, तो वो क्या करेगा 110 सेंटीमीटर इसको एक्चुअल क्लॉथ में आ जाएगा, क्लॉथ जो एक्चुअल क्लॉथ मिलेगा उसको 110 सेंटीमीटर मिलेगा, बट वो जो हम लेट कर ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्लॉथ का रेट जो है 1 रुपीज़ है, तो 100 सेंटीमीटर का क्लॉथ का रेट कितना होगा 100 रुपीज़ होगा, तो 100 रुपीज़ में उसने कितना खरीद लिया 110 सेंटीमीटर ले लिया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की चीटिंग किया था। अब इसको सेल करेगा, तो सेल क्या कर रहा है कि 1 रुपीज़ के रेट पर ही सेल कर रहा है, तो जब ये 100 मीटर उसने सेल किया है, तो 100 मीटर सेल जब करेगा वो, तो वो एक्चुअल में कितना सेल करेगा 90, क्योंकि जब सेलिंग कर रहा है तो जो शॉर्टर उसने ले रखा है एक्चुअल से, एक्चुअल जैसे 100 मीटर उसने सेल किया, 100 सेंटीमीटर सेल किया, तो उसने सेल कितना किया 90 सेंटीमीटर सेल किया, और उसके पास कितना कपड़ा आ गया था 110 सेंटीमीटर, एक्चुअल जो कपड़ा आया 110 सेंटीमीटर, और एक्चुअल जो उसने सेल किया है वो कितना किया है 90 सेंटीमीटर, और उसके पास था 110, और 100 जब सेंटीमीटर उसने सेल किया तो उसको 100 रुपीज़ यहाँ से मिल गया, जो उसकी लागत थी 100 रुपीज़, वो 100 रुपीज़ आ गई उसकी, वो खर्च किए थे खरीदने के लिए, वो को 100 रुपये मिल गया, कितने कपड़े में 90 सेंटीमीटर जो सेल किया उसी में मिल गया उसको, तो बच कितना गया 110 सेंटीमीटर उसके पास कपड़े मिले थे एक्चुअल में, और एक्चुअल में सेल कितना किया 90 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर उसको क्या हुआ कपड़े का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ कई लोग मिस्टेक ये करते हैं, अब बुक्स में अच्छे से बुकों में भी ये मिस्टेक करके 20% उन्होंने लिख रखा है कि 100 सेंटीमीटर आया तो 20/100 × 100 तो 20%, ये गलत है, 20% आंसर गलत इसका है, 20 सेंटीमीटर क्या करेगा वो सेल करेगा, क्योंकि पूरे कपड़ा वो सेल कर रहा है, तो यहाँ क्या है कि 90 सेंटीमीटर जब सेल कर रहा है वो, तो उसको पैसे कितने मिल रहे हैं 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, एक्चुअल में 90 सेंटीमीटर जब सेल कर रहा है तो उसको 100 एक्चुअल में जब सेल तो उसको 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर जब सेल करेगा तो 1 सेंटीमीटर सेल करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा 100/90, तो उस तरह 20 सेंटीमीटर जब सेल करेगा वो, तो 20 सेंटीमीटर सेल करेगा तो 100/90 × 20, ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 200/9, इतना रुपीज़ उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, इन्वेस्ट उसका कितना था 100 रुपीज़ और इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट 200/9/100 × 100 हो जाएगा, तो 100%, तो 100 से 100 कट गया, तो ये हो जाएगा 200/9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 2 = 18, फिर आ जाएगा 20, फिर 9 × 2 = 18, फिर 2/9%, तो ऑप्शन होगा इसमें सी। 2 pipes A and B कैन फिल ए टैंक्स इन 60 मिनट and 75 minutes. There is also an outlet C. If A, B and C are open together, the tank is full in 50 minutes. How much time will be taken by C to empty the full tank? इसमें हम क्या A दिया है, इस ये फिल कर रहा है 60 मिनट में, B जो सील जो फिल कर रहा है वो 75 मिनट में, और ये A और बी और सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है उसको, तो ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, दो उसको फिल करेंगे और सी उसको खाली करेगा, तो ये कर रहे हैं 50 मिनट में, तो हम इसमें क्या करेंगे टोटल वर्क निकालते हैं, हम टोटल वर्क जो होता है
वो कितना यूनिट हुआ टोटल वर्क, तो हम क्या करते हैं ये तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, 60, 75, 50 तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 300 यूनिट। हम एट लेट कर लिए कि टोटल वर्क जो पानी फिल करना है वो 300 यूनिट हमको फिल करना है, तो 300 यूनिट फिल करना है तो ये जो है वो कितना यूनिट पर मिनट फिल करेगा, ये जो दिया 300 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट पर मिनट हो गया। फिर हम इसको निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट क्या हो जाएगा पर मिनट हो जाएगा, और 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यूनिट पर मिनट हो जाएगा। ये आपका 5 यूनिट कर रहा है पर मिनट, बी कर रहा है 4 यूनिट, ये दो तीनों मिलके जब खोलते हैं तो हो रहा है 6 यूनिट। हमको निकालना है सी का, तो सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ये 5 यूनिट फुल कर रहा है, ये 4 यूनिट, ये दोनों, ये तीनों मिलते हैं तो ये 6 यूनिट फिल हो रहा है। तो अब हमको ए प्लस बी कितना दिया, 4 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो हमको सी निकालना है तो यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस सी इक्वल टू 6 हो गया, तो सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस हो गया 6, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट जो हो जाएगा पर मिनट। तो सी की जो इफिशियंसी आ रही है वो रही है 3 यूनिट, क्या हो रहा है पर मिनट के हिसाब से वो खाली करेगा वो, और टोटल कितना है उसको खाली करना है 300 यूनिट आपका, तो 300 यूनिट को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100 मिनट। मतलब सी को अकेले खाली करना हो तो सी को कितना टाइम लग जाएगा 100 मिनट, ए ऑप्शन हो जाए। यहाँ क्या है कि पहला जो रेस दे रहा है तो ए जो है 1000 मीटर का रेस जीतता है बी से 100 मीटर के अंतर से या 10 सेकेंड के अंतर से, तो 100 मीटर मतलब उतने टाइम में जब ए यहाँ पहुँच जाता है तो बी कितना चलेगा 900 मीटर, तो ये 10 सेकेंड में कितना जा रहा है 100 मीटर चल रहा है बी, बी का मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस ही इसको कवर करने में 10 सेकेंड लगता है, और डिस्टेंस कितनी है इसको, ये आपका 100, तो इसका बी का स्पीड निकालना है, तो स्पीड जो बी की जा जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100 अपॉन हम 10 निकाल देंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो बी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब ए की स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होता है क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हम डिस्टेंस निकाल लें कि डिस्टेंस जो ए चल रहा है, डिस्टेंस जो ए चल रहा है डी ए इक्वल टू एस ए इंटू हमने ले लिया टाइम टी, और यहाँ से लेंगे डिस्टेंस बी का ले लिया, बी का डिस्टेंस और स्पीड हमारा हो गया बी का इंटू टाइम टी, क्योंकि दोनों का टाइम हम सेम ले रहे हैं, जितने टाइम में 1000 मीटर चल रहा है ये जितना, उतने टाइम में ये क्या हो रहा है 900 मीटर चल रहा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे यहाँ से तो ये आएगा यहाँ पे, ये जो आपका डी एच कितना चल रहा है 1000 मीटर, और इसकी स्पीड हम ऐसे लेते हैं और टाइम टी लग रहा है, तो उसी तरह ये कितना चल रहा है 900 मीटर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एस बी, ये टाइम भी टी लग रहा है, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो ये टी से टी कट जाएगा, यहाँ से क्या आया कि ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, तो एस ए अपॉन एस बी जो आया वो कितना हो गया 10 अपॉन 9 हो गया। अब ये हमने क्यों निकाला, हम तो डायरेक्ट भी बता सकते थे कि जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो जो होता है डिस्टेंस का रेशियो, बट इसके लिए इस तरह निकालने से आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब टाइम दोनों का सेम दिया है, किसी भी दो स्पीड का कंपेयर कर रहे हैं और दोनों को टाइम सेम है तो दोनों का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस है उसका रेशियो आ जाएगा, इट मीन्स कि जो स्पीड का रेशियो आया जो इनका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1000 चला और बी डिस्टेंस 900 चला, तो दोनों का ए और बी का हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो जो डिस्टेंस दोनों चले हैं उसी का रेशियो आ जाएगा 1000, यहाँ भी क्या आया 1000 रेशियो 900, तो 10 रेशियो। अब बी का हमने निकाल रखा है स्पीड, बी की स्पीड कितनी है 10 है, बी की स्पीड यहाँ पुट कर देंगे तो ए की स्पीड आ जाएगी, ऐसे की स्पीड आ जाएगी 10, यहाँ बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 10/9 × कितना हुआ 10, तो कितना हुआ 100 अपॉन कितना हुआ 9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई ए की स्पीड। अब टोटल जो रेस है वो कितने की है 1000 मीटर की, तो 1000 मीटर की रेस में, 1000 मीटर की रेस में जो टाइम भाई ये जो लगेगा स्पीड, जो हम निकालना टाइम तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन क्या होगा स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1000 और स्पीड इसकी कितनी है 100/99 ऊपर चला जाएगा, तो जीरो से कट गया तो इसको लगेगा 90 सेकेंड। ये को जो टाइम लगेगा ये 1000 के रेस के लिए वो इसको लगेगा इतना लगेगा 90 सेकेंड, बी के कितना टाइम लगेगा, बी को जो टाइम लगेगा ये कह रहा है इसमें कि इफ़ द रेस फ्रॉम द सेम बी गेट्स इंजर्ड आफ्टर द रनिंग द 50 मीटर लेस देन द हाफ द रेस, हाफ रेस कितना हुआ 500 मीटर, 500 से पहले 50 मीटर पहले वो क्या हुआ इंजर्ड हो गया,
50 मीटर मतलब कितना ये चला है, 450, 450 मीटर जो चला बी वो किस स्पीड से चला है, जो स्पीड उसकी ओरिजिनल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस अपॉन कितना हो गया स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चला है 450 अपॉन 10। अब बाकी के डिस्टेंस यहाँ से कितना बचा 550, तो 550 मीटर जो चल रहा है तो कह रहा है कि आफ्टर रनिंग 50 मीटर लेस हाफ द रेस लेंथ एंड ड्यू टू द विच हिज स्पीड गेट्स हाफ। तो जब वो इंजर्ड हो जाता है तो उसकी स्पीड यहाँ से जो यहाँ चल रहा है 550 मीटर जो चल रहा है बी, उसकी स्पीड कितनी हाफ, हाफ स्पीड कितनी होगी 10 की हाफ हो जाएगी 5। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 550 अपॉन स्पीड हो जाएगी 5। तो इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1045 और ये हो जाएगा ये 110 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 155, 155 सेकेंड लगेगा किसको, बी को लगेगा। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 155 में से ये 90 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 65। तो ये जो है वो बी को बीट करेगा कितने सेकेंड के अंदर से, 65 सेकेंड के अंदर से बीट करेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। द सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाई 10% ऑफ हिज ओरिजिनल सैलरी बट ही रिसीव द सेम अमाउंट इवन आफ्टर इंक्रीमेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी ही डिड नॉट रिसीव। जैसे मान लीजिए इसकी सैलरी हमने लेट कर लिया कि 100 रुपीज़ है, पर्सन की सैलरी रुपीज़ हमने लेट कर लिया कि ओरिजिनल सैलरी जो है ये 100 रुपीज़ है। अब आफ्टर 10% इंक्रीज जो सैलरी इसकी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, 110 रुपीज़ हो गई इसकी सैलरी 10% इंक्रीज के बाद। अब ये क्या कह रहा है कि 110 तो सैलरी हो गई बट उसको मिलती कितनी है, अभी भी 100 रुपीज़ मिल रही है। क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल सैलरी थी उतनी उसको मिल रही है, तो कितनी कम मिल रही है उसकी सैलरी 10 रुपीज़, उसको क्या हो रही है अभी कम मिल रही है सैलरी 110 से। अब कितनी उसकी सैलरी है अभी ओरिजिनल सैलरी, अब इस पे हम निकालेंगे ना कि अभी सैलरी उसकी कितनी होगी 110 हो गई, तो हमको परसेंटेज निकालना है। तो 10 रुपीज़ का उसका क्या डिफरेंस है और 110 ओरिजिनल है इंटू 100%, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 11%, ऑप्शन हो जाएगा सी। ए ट्रक मूव्स अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, ए सर्कुलर पाथ है एंड डिस्क्राइब 100 मीटर व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 36 डिग्री एट सेंटर। ये सेंटर पे इसने बनाया 36 डिग्री, यहाँ पे 36 डिग्री बना रहा है। तो जो ये पाथ पे चल रहा है ये जो डिस्टेंस है कितना है 100 मीटर चल रहा है। तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, ये हमको आर निकालना है और पाई के फॉर्मेट में निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है ये हमने ले लेते हैं थीटा, तो ये जो एल होता है लेंथ जो ये आता है यहाँ से एल आती है, थीटा अपॉन 360 इंटू होता है 2πr, क्योंकि ये पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे हो जाएगा 100 इक्वल टू थीटा दिया है 36 अपॉन 360 इंटू 2π इंटू आर हमको निकालना है। ये कटेगा तो कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो आर हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा यहाँ इंटू होगा 500 अपॉन हो जाएगा पाई, तो 500 अपन पाई मीटर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा ऑप्शन। टू पोल्स आर प्लेस्ड एट पी एंड क्यू ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड, ये रोड दिया हुआ है, यहाँ पे पी है यहाँ पे क्यू है, सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड। ये पी क्यू हो गया। कह रहा है कि ये पर्सन मूव एक्स मीटर अवे फ्रॉम पी पैरेलल टू द रोड एंड प्लेस अनदर पोल एट आर, यहाँ से ये चल रहा है पैरेलल टू रोड, यहाँ पे ये आर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ये डिस्टेंस चला एक्स आर। देन द पर्सन मूव्स फर्दर एक्स मीटर इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ से फिर ये सेम डायरेक्शन पे यहाँ से ये एक्स मीटर चला है। देन द पर्सन मूव्स फर्दर एक्स मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स एंड मूव ए डिस्टेंस वाई मीटर अवे फ्रॉम द रोड, रोड से अवे जाएगा, तो रोड तो इस ये रोड है तो रोड से अवे किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये अवे फ्रॉम द रोड, रोड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जाएगा। वेयर ही फाइंड्स हिम सेल्फ क्यू एंड आर ऑन द सेम लाइन, ये कह रहा है कि क्यू आर ये क्या है सेम लाइन पे, ये क्यू आर ये पूरी सेम लाइन पे, यहाँ ये मिट गया, यहाँ पे सेम लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू की डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस वाई दिया, यहाँ से वाई गया, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है, ये वर्टिकली ओपोजिट है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 है, तो ये होगा एंगल साइड एंगल,
एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो भी है यहाँ दिया है इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स ये भी वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ये सी पी सी टी से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये लेंथ इसकी ये इस लेंथ ये इस लेंथ की इक्वल होगी, सी पी सी टी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देन ये पी क्यू की वैल्यू वाई हो जाएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। इसको लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो फेसबुक पे पोस्ट करें या मुझे मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी वीडियो मैथ्स एंड मोर चैनल पर हम अपलोड करेंगे तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा। आजकल ऑफलाइन भी रहने पर मोबाइल पर तुरंत अलर्ट आ जाता है कि इस चैनल पर ये नया वीडियो आया हुआ है, तो उससे आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।